अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जो हमारा बुफे था वो है ग्रैंड विला द ग्रैंड बुफे में। तो चलें चलकर चेक करते हैं कि इनका बुफे कैसा है। बटर चिकन, भिंडी गोश्त, चावल बिरयानी, कीमा, दुम कीमा। अच्छा जी, तो ये गुलाब जामुन है, जलेबियाँ हैं, सामने कचौरी कट रही है, भटूरे हैं, चने हैं, पकौड़े हैं, ये लोरी कढ़ाई जी। तो आपके भाई ने अपनी पहली प्लेट बना ली है। इस टाइम मैं बटर चिकन जो है वो ट्राई कर रहा हूँ इनके गार्लिक नान के साथ। टेस्ट बहुत अच्छा था, पीछे शोर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा और ख़ुद से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, लेकिन बटर चिकन यार क्लास का था, मज़ा आया खा के जी। तो अब टाइम है बिरयानी ट्राई करने का। बिरयानी बहुत ज़्यादा मसाले वाली तो नहीं थी लेकिन अच्छी थी, कि जिससे आपका ना पेट ख़राब नहीं होगा। मसाला नॉर्मल था, मज़े का था, मज़ा आया बिरयानी खा के। चिकन जो इसमें था वो फ्रेश था, तो बटर चिकन के साथ बिरयानी चख ली, एक नया ही टेस्ट डेवलप किया आज मैंने, मज़ा आया, अच्छी थी, आला बिरयानी थी। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर टाइम आया इनका बारबेक्यू ट्राई करने का। बारबेक्यू जो इनका गोला कबाब था, गोला कबाब बहुत जूसी था, लिटरली बहुत जूसी था और बहुत मज़े का था। तिक्के बहुत फिट थे और तिक्कों को जो मसाला लगा हुआ था वो भी बहुत फिट किस्म का लगा हुआ था। नो डाउट तिक्के खा के मज़ा आया जी। तो ये स्टेक बन रही है यहाँ पर, अच्छी थी। इसके बाद अब हम किए चाइनीज़ कॉर्नर इनका, यहाँ पर राइस थे, मंचूरियन था, हनी विंग्स वगैरह थे। फिर हम आ गए इनके मीठे की तरफ, जहाँ पर पेस्ट्रीज थी मुख्तलिफ तरह की। तो देखते जाएं मेन्यू, आप इनका काफ़ी काफ़ी बड़ा है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिशेज़ हैं। ये पेस्ट्रीज़ हैं, कस्टर्ड है, ये वो फाउंटेन के लिए जो इन लोगों ने एक्स्ट्रा पेस्ट्रीज रखी होती हैं वो हेज़लनट थी, मज़े की थी वो भी। इसके साथ साथ ये जो प्रेजेंटेशन है वो भी बड़ी फिट किस्म की है। और ये फाउंटेन, ये जो इन लोगों का फ्लोरा फाउंटेन इन लोगों ने बनाया हुआ है, ये इनका सैलड बार है, वहाँ पर हर तरह के सैलड का। और इतनी वैरायटी देख के वाकई मुझे अच्छा लगा कि यार ये लोग जितने पैसे ले रहे हैं उसमें डिलीवर भी कर रहे हैं जी। तो सर इनके चॉकलेट फाउंटेन पर आएँ, और फिर इस तरीके से आपने अगर अपनी वीडियो नहीं बनवाई तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप विला का बुफे करके आए हैं। तो ये तो एक मस्ट, लाजमी मस्ट टू डू चीज़ है ना, जो कि करनी ही करनी थी, तो कर दी। जी तो सोफा इन लोगों का बुफे बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी अभी फ्री और बहुत साल भी आ गए, लेकिन अच्छा बुफे है जी। तो जब फाइनली बुफे एंड होने लगता है तो बुफे आ जाता है गोलगप्पों की तरफ, और गोलगप्पे भी इनके काफ़ी खस्ता थे, मज़े के थे, अच्छे थे। इसके बाद कुछ मीठा हो जाए केक में, ऐसे करोगी ना इसमें। हाँ जी, तो ये है इनका मोल्टन लावा केक, और अब इसके अंदर से निकलेगा लावा। चेक करें ये, और ये बिल्कुल फ्रेश बना था। अच्छा जी, तो फाइनली बुफे हो गया, बुफे काफ़ी अच्छा था। अगर हम इसको रेट करें तो इट वुड बी 8/10। और ये हमारी फातिमा जी हैं। फातिमा जी, खाना कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो
बुफे था वो था ग्रैंड विला में। अब ग्रैंड विला में स्पेस का यार काफ़ी इशू है क्योंकि दो फ्लोर हैं इनके पास, लेकिन फिर भी पार्किंग तो ठीक है इनकी, बट जो अंदर का स्पेस है ना लोग काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और इन लोगों की मैनेजमेंट तो अच्छी है, मज़ा आया, खाना भी अच्छा था, लेकिन इन लोगों को स्पेस पे काम करने चाहिए अपने। बहरहाल ये था आज का व्लॉग। काफ़ी पूछ रहे थे यार आप काफ़ी दिनों से ऑफ हैं, तो मेरा गला ख़राब था और अब वापस आ गया हूँ मैं। इंशाल्लाह डेली व्लॉग आया करेंगे। तो चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। आपसे मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।